डिस्ट्रैक्शन के लिए चाहे हम कुछ भी कर लें, वो टेम्पररी ही होता है। अब सोचता हूँ कि ऐसी टेम्पररी ट्रिप लेने के लिए अगर उस पार्टी में नहीं गए होते तो आज हम इस परमानेंट फोन से डील नहीं कर रहे होते। दैट पार्टी व्हिच चेंज्ड आवर लाइव्स। आज जो हॉस्पिटल में हुआ, लेट्स फॉरगेट इट नो। 5 महीने 16 घंटे की शिफ्ट के बाद आज ब्रेक मिला है ब्रो। फी का पकड़ करना आसान है। तेरा केस चुरा कर कोई इंटर्न ऑफ द मंथ में आगे नहीं बढ़ा ना। मेरा और कार्तिक का रिलेशनशिप स्टेटस बैड से वर्स हो रहा था। एज उसने मेरा सिर्फ केस नहीं, पूरा ट्रीटमेंट चुरा लिया था। एल्सा, ठंड से माय बॉल्स आर ऑलरेडी फ्रीजिंग और कोल्ड वाइज का स्कोप नहीं है। तेरे गोटे उग गए फाइनली। चिल, लेट्स गो। कबीर ये देख, ब्रास ओवर ब्रोस का लाइव एग्जांपल। जो बोलना है ना मुंह पे बोल। छोड़ो ना, वाई मत किल करो। चलो नहीं, इसे बोल। TSIF, huh? That shit is fucked and I am not fucked, you are fucked. Take it easy, you're talking as if तेरी बंदी के साथ चीट किया मैंने। बंदी होती ना तो जाने देना, लेकिन तूने तो मेहनत चुराई। तू डिजर्व नहीं करता कार्तिक इस बार इंटर्न ऑफ द मंथ जीतना। नॉट अगेन विक। 4 महीने से जीत रहा है, एक बार हो गया, ऐसी चीटिंग कर ली, छोड़ना यार। नहीं छोड़ सकता यार, मैं नहीं छोड़ सकता। इसने पूरा ट्रीटमेंट चुरा लिया मेरा जस्ट टू विन इंटर्न ऑफ द मंथ। अबे चूतिया, तेरे को कितनी बार समझाऊं, अगर तू उस हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट क्लेम भी कर लेता ना तब भी सेकंड लास्ट आता। मैंने तेरा ट्रीटमेंट बोरो किया फॉर अ फ्रेंड, यू शुड बी हैप्पी। हैप्पी कि मैं सेकंड लास्ट के बजाय लास्ट आ गया। अबे लास्ट सेकंड लास्ट, हाउ डज इट इवन मैटर? कॉम्पिटिशन में व्हाट मैटर्स इज टू बी नंबर 1। बाकी सब लो ले यार। बदल गया यार। देखो पता है, बचपन से आई प्ले टू विन। साला ऐसे रो रहा है जैसे ये ट्रीटमेंट के साथ जीत जाता नोबेल प्राइज। ब्रीथिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग कार्तिक। ये डॉक्टर दिल पे मत ले, तुझे भी पता है तू डॉक्टर बना क्योंकि डॉक्टर बनना मेरा ड्रीम था। साला फॉलोअर। यार विक, यार कर रहे हैं यार। प्रो कोड चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग भाइयों में प्लेफुली मुक्के, लाते, चोक स्लैम, अपरकट सब अलाउड है, लेकिन फेस पर थप्पड़ मतलब डीप इश्यूज। कभी नहीं देखा तुम दोनों का ऐसा मैंने। व्हाट हैपेंड यार? लेट्स गो। हाँ प्लीज इसमें मत पढ़िए चित्रा मैम। MBBS की बुक्स में ह्यूमन लाइफ, उसकी एनाटॉमी और सिस्टम्स के बारे में तो बहुत पढ़ा, लेकिन इंटर्नशिप की हंगर गेम्स ने ये आउट ऑफ सिलेबस लेसन सिखाया कि यही ह्यूमन लाइफ ब्लैक और व्हाइट के बीच वाले ग्रे जोन में ऑपरेट करती है, और ग्रे किसी का फेवरेट कलर नहीं होता। Thank God, जितने आज agree कर लिया for this one, how'd I get this one? You're pretty hair. सब कोई देख लेगा। हर टाइम इतना डरना क्यों रही माँ? Genuinely बताओ मुझे, ये fear heart versus mind वाले classic dilemma से उत्पन्न होता है क्या? उत्पन्न? Wow, तेरी हिंदी भी अच्छी होगी तेरे साथ रह रहे। But इस बार हमारा heart और mind align है, तू नो से क्या चाहिए, okay? Sam, cheese factory तो नहीं खोलनी थी मुझे, but with you ना रहा, घर वाली फीलिंग आती है, like you're my सुकून, but no if, no but, know that I am yours. मुश्किल से तो I've got you here in this party. Then why these frowns? Is it Asif? फिर उन्हें पता चला तो? नहीं पता चलेगा ना, मैं घर ड्रॉप कर दूंगी ना तुझे टाइम पर। What about this Sam? Then हमारे बारे में, हमारे रिलेशनशिप के बारे में, हम आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है, हमारी लाइफ उनके कंट्रोल में, आप नहीं समझ। अंदर चलते हैं, मच्छरों के मार्टिनीज बनने से अच्छा भी गोगेड़ा और ड्रिंक्स। थैंक्स हमेशा हमें आने के लिए। बेस्ट पार्ट ऑफ योर थेरेपी सेशंस। उनके बिना आई डोंट नो। उसके बिना आप हमारे इतने क्लोज कैसे आते? तुझे पता है ना ये तेरा दर्द डिस्को फिजिकल पेन नहीं है एक्चुअली। नॉर्मल लैंग्वेज प्लीज। तुझे टॉपर रहने की आदत हो गई है ना, बट हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट विक ने क्रैक किया। ही रिसेट कर गई। यू नो ही वाज गुड फॉर अ चेंज।
अगर तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ jealousy, envy, rivalry, human emotions ही eventually. I mean, ये morality के contractors नहीं उन्हें negative tone दे रखा है, but what do? Just feel what you feel, say what you want to. Actually, lighter feel करेगा. Simply बताओ, ये case लेने में मैं right है या wrong? मुझे क्या पता right and wrong का यार. I mean, तुम जितने privileged ना, उतने insecure हो. मतलब right wrong का जवाब देना नहीं है, but बकचोदी करनी है. सीधी बात ये है कि Vic ने for a change तेरा real self देखा. You know, as a दोस्त देख रहा था, मेरी तेरा professional monster उसने पहली बार देखा. Relax. Monster थोड़ा heavy हो रहा है, okay? तो मेरा ही male version है. Do you not realize? Listen. I'm a good guy. Blowjob? Two blowjobs, please. वैसे मुझे तुझसे पिस्ट ऑफ होना चाहिए, बट आई एम काइंड ऑफ टर्न्ड ऑन क्योंकि मैंने तेरी रियल नेकेड सेल्फ देखी है एंड यू हैव सीन माइन. चीयर्स. सैम को देखा क्या? नहीं, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? वो मुझे पता है. नहीं, आप यहाँ मेरे लिए हो. Confidence. Am I right or am I right? क्या करे लोग यहाँ सारे पागल हैं? नहीं, not today, not today. लोग क्या कहेंगे? कौन देख रहा है? I don't care. सारे interns हैं यहाँ पर. देखो, आप भी into me हो पूरी. तो फिर ये DDPD क्यों? DDPD? धड़कते दिल पे डंडे. पर आखिर उन्होंने तो केएल भी दिया ना. फनी होकर आप इमोशंस छुपा सकती है, लेकिन ये सैम ये सिर्फ बहाना था. आप यहाँ हो मेरे लिए. आपने फाइट रुकवाई बिकॉज यू केयर. तो फिर हम ऑफिशियल क्यों नहीं हो सकते? इंटर्न तो ठीक है, इंटर्नशिप के बाद. मेरे भाई की बेस्ट फ्रेंड होगी. हमारा वैसे भी 16 ईयर चल रहा है. आप कहो तो मैं ब्रेकअप करूं पूरा. ठीक है, रियलिटी में ये है कि व्हेन इट कम्स टू अस, आपके बहाने कभी खत्म ही नहीं होते. ठीक है, इमोशंस तो आप डिनाई कर सकती हो, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या? How cute you two are. Dude, ऐसा कुछ नहीं, we are not together. चला जा यार, थोड़ी फील ही दे दे. तुझे कब से फील से कमी होने लगी? I'm sure you're seeing someone right now. Baby. Vic. What?
जनरली बुरा लग रहा है यार उसके लिए। तुम लेटर इमो हो सकती हो विक के बारे में? I mean we're in the middle of something. अरे but you know chronology समझ। तेरा ग्रेस उसको permanently damage कर दो। Can you drop the deep please and stay hot? Yes, but मैं उसको deep होने दे। Just leave the deep to me. Are you but you know what doesn't kill you makes you stronger. Yaar, sara fuck. Tum mera boner kill kar rahi ho aur mujhe guilt trip pe bhej rahi ho. Kill me hai na. See, like hamara pass ki wajah se hum damaged hain. So congratulations. We could damage karne ke liye. You know damage attracts damage. Ab wo kisi aur ko damage karega. He's gonna damage somebody हाँ मैं डैमेज था अनअपोलोजेटिकली था बट चित्रा मेरे इस इमोशन को एफर्टलेसली अंडू कर रही थी बट द फक अप वाज कि जहां मैं सेन हो रहा था इंसैनिटी वाज जस्ट वॉकिंग इनटू आवर लाइव्स तुमने बताया नहीं तुम यहां पर हो मैं आ जाता आयल हो गई हो तो डांस बसंती आप यहाँ कैसे आए वो दोनों मैरिड है लेट देम गो नो बोरिंग आंटी लेट्स गेट सम गॉसिप आई डोंट थिंक उसको पता है कि रहीमा ड्रिंक करती है मे बी आपको हमारा लोकेशन कैसे मिला इसे स्टॉकिंग कहते हैं वैसे मैम अपनी वाइफ के लिए किए गए रोमांटिक जैसे को तो आपने बड़ी आसानी से स्टॉकिंग डिक्लेयर कर दिया बट सिंस यू सो प्रिटी आपसे क्या गुस्सा होना है हाय आई एम आसिफ समीक्षा नाइस टू मीट यू बाकी सबके फेसेस भी फिर मिल रहे हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही करवाओगी क्या आप यहाँ से जाओ आज तुम फ्री थी तुमने अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर लिया ना नाउ थर्ड टाइम विद हस्बैंड आओ चलो घर चले मे बी आसिफ जाओ यहाँ से आप पंगे है दोनों में फॉर श्योर स्टेयरकेस वाला कांड देखा था मैंने तो ज्यादा पी लिया हाँ पी ली हमने हमें और पीना है मे बी शी नीड्स टू ज्यादा पी लिया तुमने दो ड्रिंक की लिमिट क्रॉस हो गई तुम्हारी हाँ हो गई चलो घर चले हमें नहीं जाना घर रहीमा बेटर डिजर्व करती है यार जाओ यहाँ से हमें नहीं आना थोड़ा चिल कर ले आई नो यूर कंसर्न अबाउट रहीमा चिल तू भी थोड़ा चिल कर ले राइट ए देयर इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था बट द प्रॉब्लम वाज कि ये अट्रैक्शन थोड़ी ट्विस्टेड थी टू नेगेटिव्स वर नॉट मेकिंग अ पॉजिटिव साले कोई प्रॉब्लम है अब बेंचो तू बहुत ग्राइंडिंग चल रही है तेरे को सारा के साथ कम क्लोजर अगेन देन तेरी गांड फाड़ दूंगा बेंचो कार्तिक लग कार्तिक छोड़ यार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद सारा वाज आल्सो देयर शी वाज आल्सो डांसिंग विद साले कम क्लोजर अगेन एंड देखो मैं मार दूंगा बेंचो बच गया तू आज नेक्स्ट टाइम आई स्टिक टू माय वर्ड मेरे ओपिनियन में आसिफ जैसे एमसीपी एंटाइटल्ड और हरामी मेंटालिटी वाले लड़कों को राइट टाइम पे वैसे ही मेडिकली टर्मिनेट कर देना चाहिए और अब जो वो एक्चुअली नहीं रहा मैंने रियलाइज किया कि मेरा ओपिनियन इंडियन पीनल कोड को मैटर ही नहीं करता मैटर करता है तो सिर्फ एक ही फैक्ट दैट वी हैड किल्ड हिम सो तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सबकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके हॉस्पिटल का नाम खराब करने में चॉइसेस ऑल योर्स मैं बाहर वेट कर रहा हूँ व्हाट इज दिस इंटर्न्स और उनके पेशेंट्स का मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी थी बट यू फेल मी
कुछ गलत है। He is right. कल पोस्टमार्टम हुआ था, आज इंटरोगेशन होना चाहिए था, right? हाँ, but पुलिस स्टेशन में सारे कॉप्स यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ पंगा है। यार अगर हम कहीं पकड़े तो नहीं गए? Just fucking act normal. Yeah, he's right, he's right. ये तो सीधा शक हम पे हुआ। Okay, let's go. कुछ मेजर फसड़ है। डॉक्टर्स, इंटर्न्स एंड स्टाफ मेंबर्स, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि somewhere somehow आप सब पेशेंट नंबर 36 आसिफ मंसूरी के डेथ के केस में इन्वॉल्व्ड हैं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से आसिफ की डेथ का कॉज ब्लंट इंजरी नहीं है। आसिफ के ब्लड में ओपियोइड फेंटेनिल का हाई डोसेज मिला। ओपियोइड फेंटेनिल, ये ड्रग आसिफ को प्रिस्क्राइब नहीं था, तो क्लियरली किसी ने जानबूझकर ये ड्रग आसिफ को एडमिनिस्टर किया। अजम्पशन ये लगाया जा रहा है कि जब उन पर अटैक किया होगा तो ब्रैडीकार्डिया और डिलीरियम की वजह से वो फाइट बैक नहीं कर पाए। सो इन शॉर्ट, डॉक्टर चित्रा जो कहने की कोशिश कर रही है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला, ये एक मेडिकल निग्लिजेंस का है, और दूसरा ऑप्शन, ये केस एक सोचा समझा मर्डर। आइदर वेज आप लोग को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। कितनी भी छोटी चीज हो, अगर आपको ध्यान में आए देन प्लीज मेक श्योर कि ऑनेस्टली आप लोग हमें ये बता दें। तो अभी कुछ भी ध्यान में आ रहा है किसको भी? एनीवन? यू? क्या? हाँ या ना? कुछ नहीं। कोई नहीं, अभी याद नहीं आ रही। आई होप बाद में याद आए। जब भी याद आए प्लीज कॉल अस, वी आर देयर टू हेल्प यू। एवरीवन, इंटर्न, सीनियर डॉक्टर, स्टाफ मेंबर्स, यू ऑल नीड टू सबमिट योर लास्ट 10 डेज का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स। यू ऑल कैन लीव नाउ। थैंक यू डॉक्टर। एक मिनट, मिनट। विक्रमजीत, बहुत जल्दी आपको जाने में। पेशेंट्स आर वेटिंग सर। ओह, इंग्लिश, वाओ यार, वेरी नाइस, टिप टॉप, वेरी गुड। जा। थैंक यू डॉक्टर चित्रा। मुझे साफ साफ कहते थे ना, असली में किसने डसा है? हाँ, तू बोल रहे हैं? आप हमें क्यों अक्यूज कर रहे हैं? अरे अक्यूज का कोई फंडा ही नहीं है यार। Whoever did this, spit it out now. मैं पोसड़ी के मुझे क्या घूर रहा है? खड़े गए तो सबसे पहले मेरी लगने वाली है ना। वैसे सिंपैथी लेना बंद कर चूतिए। गाइस यार, तुम लोग किसी को नहीं पता किसके ब्लो से मरा है वो लंडू। अरे तेरा ब्लो, मेरा ब्लो कार्तिक, क्या फर्क पड़ता है यार? निशाना तो तूने मुझे ही है ना। कुछ भी बाकी जा रहा है। अरे सच्चाई तो यही है। मार यही, तू चुप बैठ, मार दूंगा, मार मार। गाइस प्लीज, आप लोग झगड़ा करना बंद करोगे? यार गाइस यार, स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। आई डोंट थिंक हम में से किसी ने उसको ड्रग एडमिनिस्टर किया। ओके, तू कैसे कह सकता है? लॉजिक, फकिंग सिंपल लॉजिक। हम सबने आसिफ को इन द मोमेंट रेज में मारा। जिसने भी उसको ये ड्रग दिया है वो पहले से उसको हार्म करना चाहता था। और रहीमा नहीं हो सकती, वो खुद उसकी विक्टिम थी। He's right. What right, right? कोई बताएगा हमें क्या हो रहा है? यही कि आसिफ के मर्डर में कोई और भी इन्वॉल्व्ड है। A sixth person, हम पांच के अलावा भी कोई और है। कोई और भी था जो आसिफ को मारना चाहता है। But who?